नमस्ते स्वागत है आपका इस वीडियो में सो so, इस वीडियो में अभी हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और स्विंग ट्रेडिंग uh, के माध्यम से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में या इवन आप वीकली मंथली अगर आप पैसा कमाना चाहते हो या इनकम करना चाहते हो सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है एक सामान आपने परचेज किया उस सामान को आपने सेल कर दिया दैट इज वॉट वी कॉल ट्रेडिंग तो स्विंग ट्रेडिंग इज अ वे दैट Uh, बहुत सारे लोग जो है जो एक्टिवली इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकते हैं डेली जो है ट्रेड नहीं कर सकते कंप्यूटर के सामने बैठ के तो वहाँ पे जो है आप इजीली बहुत जगह पे आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि आप 10 मिनट में हफ्ते में 10 दिन 10 मिनट आप डालो आपका जो है स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से आप लाखों रुपये कमा सकते हैं ऐसा एक्चुअली नहीं होता है प्राइमरली uh, वही कहते हैं जिसको uh, जिनको अपना कोर्सेज जो है वो सेल करना पड़ता है यहाँ पे आपको बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपको पता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है सो देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई और यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना पड़ेगा दैट इज़ हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस हाउ टू अंडरस्टैंड विच इंडेक्स ऑफ द मार्केट इज मूविंग और कौन से इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको एक अच्छा ग्रोथ देगा सो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे बॉल स्विंग होता है ना कि एक पॉइंट ऑफ मतलब आपने बॉल डाला और दूसरी तरफ भाग रहे तो उसी तरीके से हम अगर गूगल में ही जाते हैं गूगल से आपको सिखाऊंगा सिंपल भाषा है तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक मार्केट जो होता है कभी भी कोई भी कोई स्टॉक आप चे, चेक करोगे तो वो कभी भी जो है एकदम सेम पैटर्न में मूव नहीं करता है अब स्ट्रेट लाइन में कभी वो मूव नहीं करता है कोई भी स्टॉक जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है तो इस सिचुएशन में आप देखोगे इट इज स्विंगिंग लाइक कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाए कभी दाए बाएं तो नहीं होता है वो आपका टू होता है सो ये ऊपर नीचे होता है दाएं नहीं होगा ऊपर uh, <laughs> so, हो नीचे ऊपर स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है, कि इस, ये जो swing हो रहा है कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है यहां पर आपका टारगेट हो रहा है किस तरीके से मैं यहां पर आई विल बाई लो एंड आई विल सेलेक्ट हाई पॉइंट एग्जाम्पल अगर मैं ये आपका पॉइंट ले लेता हूँ लेट मी जस्ट चेक सो ये पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ अगर मैं इसका थर्टी मिनट का चार्ट देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इसका डेली अगर चार्ट ओपन अप कर लेता हूँ एंड आई हाईली रिकमेंड दैट आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करें या कोई भी ट्रेडिंग व्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जहाँ पे आप चार्ट रीड कर सकते हो एनालाइज कर सकते हो सो यू डेफिनेटली प्लीज यूज़ ट्रेडिंग व्यू इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करो एंड आई विल भी मेकिंग वीडियो हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू सो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग डेफिनेटली सीखो यहाँ पे स्टॉक uh, मार्केट yeah, uh, क्योंकि दिस कैन एक्चुअली टर्न अराउंड योर लाइफ सो एनी तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट में अगर आपने स्टॉक परचेज़ किया होगा अगर मैं यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स जो है वो ऑफ कर देता हूँ चलिए मैं सारे इंडिकेटर्स ऑफ कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट को अगर देखता हूँ तो चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ तो लाइन ही लाइन में बना देता हूँ फॉर एक्जाम्पल यहाँ पे मैंने अगर स्टॉक को परचेज़ किया था ठीक है इस पॉइंट में मैंने स्टॉक को परचेज़ किया इस पॉइंट में मैंने परचेज़ किया और फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट में जाके मैंने इसको सेल कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है ये ये था ट्वेंटी एट है आपका सेवनटीन ऑफ नवंबर यानी सेप्टेम्बर अक्टूबर अगर मैं यहाँ पे सोचो कि एक महीने का दस दिन का होराइजन रहा है देखता हूँ दस दिन आपने स्टॉक को होल्ड किया दस दिन के बाद जो है फॉर एग्जाम्पल सेवेंथ ऑफ अक्टूबर को आपने स्टॉक को जो है सेल कर दिया तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है आ, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दैट इस पॉइंट में जो अब जिस प्राइस में आपने परचेज़ किया था दैट वॉज थ्री हंड्रेड रुपीज़ और यहाँ पे आ गया था थ्री थर्टी नाइन रुपीज़ तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होगा अगर इस प्राइस में आप बेचोगे आपको बारह परसेंट का प्रॉफिट होगा दस दिन के अंदर तो आप क्या कर रहे हो ये जो स्विंग हो रहा है ना इस स्विंग को आप कैप्चर कर रहे हो उसी तरीके से अगर आपने फ़ॉर एक्जाम्पल इस पॉइंट में अगर स्टॉक को परचेज़ किया इस पॉइंट में अगर स्टॉक को आपने परचेज़ किया और फॉर एग्जांपल आपने जो है फिफ्टी ऑफ फेबर है एटथ ऑफ मार्च को जो है आपने स्टॉक को सेल कर दिया आपने देखा कि भाई इतना लॉस हो रहा है इतना लॉस में बियड नहीं कर सकता तो फिर आपने क्या बोला नहीं बोला भाई मैं जो है ये स्टॉक को यहाँ पर बेच दूंगा सो इस पॉइंट में अगर आप सेल करते हैं तो आपका बाईस जो है आपने लॉस में सेल किया अपने स्टॉक को तो इसी को कहते हैं ये जो स्विंग इसी इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं चलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ फॉर एग्जांपल आप अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्विंग हो रहा है तो मार्केट जो है इट इज मूविंग इट इज रेडिकल डायरेक्शन सो इस मूवमेंट को जब आप कैप्चर करते हैं और इस मूवमेंट को कैप्चर करके जब आप ट्रेडिंग करते हैं दैट इज वी प्राइमरी कॉल स्विंग ट्रेडिंग तो इसका जो टिपिकल ड्यूरेशन होता है दैट इज फॉर अ कपल ऑफ डेज भी हो सकता है इट कैन बी वीकली इट कैन बी मंथली इट कैन बी कपल ऑफ मंथ्स इट कैन बी अ क्वार्टर मतलब थ्री मंथ्स इट कैन बी सिक्स मंथ्स तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो किस तरीके से जो आप यहाँ पे आप पैसा कमाओगे सो दैट इज वट वी दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्राइमरली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको कोई पूछता है आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप बोल पाओगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा ताकि आपको हम यू नो यू कैन टेस्ट योर सेल्फ इट्स बेटर टू टेस्ट योर सेल्फ क्योंकि यहाँ पे आपको तो मैं लाइव पढ़ा नहीं रहा हूँ तो आप अगर खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप खुद सबसे पहले यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो या कहीं पे भी लिख सकते हो कि भाई ये होता है स्विंग ट्रेडिंग तो ये स्विंग ट्रेडिंग प्राइमरीली उनके लिए होता है जो एक्टिवली इन्वेस्ट एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं डे ट्रेड नहीं कर सकते हैं या उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है उतना नॉलेज नहीं है उतना एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ पे वो क्या करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि भाई आ, मैं यहाँ पे दस दिन के अंदर सपोज यहाँ पे मैंने आ, एक लाख रुपए लगाया एक लाख में अगर थर्टीन परसेंट आपको फायदा होता है यानी तेरह हज़ार रुपये का आपके इनकम हो गया वो एक लाख रुपये आपका तेरह हज़ार रुपये आपको यहाँ पे उसने कमा के दिया है उसी जगह पे वही एक लाख रुपये में आपने बाईस हज़ार रुपये भी लॉस कर दिया इस पॉइंट में तो इसका मतलब ये होता है कि आपने दस दिन में या पंद्रह दिन के अंदर आपने बाईस हज़ार रुपये लॉस भी हो किया है सो so, यहाँ पे लॉस और गेन भी होता है उसी तरीके से यहाँ पे आपका साइडवेज मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में अगले दूसरे एक वीडियो में बताऊंगा कि साइडवेज मूवमेंट क्या होता है और कैसे साइडवेज मूवमेंट में बहुत अच्छा ट्रेडिंग होता है और स्पेशली स्विंग ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है सो so, ये था आज का वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप अभी आपको पता चल गया है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है